आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। इस हफ्ते मैं आपसे उन्नति की कीमत के विषय चर्चा कर रही हूँ और निश्चय ही एक कीमत है, जैसे कि विश्वास योग्यता, ईमानदारी और खुद को अनुशासित करना। ये कभी आसान नहीं होता, परंतु यदि हम जो सही है वही करते हैं तो हम हमेशा प्रतिफल की कटनी करते हैं। कई बार बस हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। मैं सच में नहीं जानती हूँ कि आप आज किस बात का सामना कर रहे हैं, परंतु मैं यहाँ आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि यदि आप किसी लक्ष्य और काम कर रहे हैं परंतु आपने अब तक उसे पूरा होते हुए नहीं देखा है, आप चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपने सबूत नहीं देखे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, तो हिम्मत ना हारे। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है और मेरा विश्वास है कि आज का कार्यक्रम सच में आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप आगे बढ़ें और जो उन्नति आप करना चाहते हैं उसके लिए जो कीमत लगती है उसे आप चुकाएं। हम कहते हैं हम परमेश्वर की राह देखते हैं, परंतु सच यह है कि कई बार परमेश्वर हमारी राह देखता है। हम अपना भाग कर रहे हैं निश्चित कर ले और परमेश्वर के साथ सहभागी हो रहे हैं, और परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए देता है। प्रभु का धन्यवाद, वो हमेशा उसे करने के लिए हमें शक्ति भी देता है। मैं आज आपका परिचय मेरी एक करीबी सहेली के साथ करना चाहती हूँ जिसका नाम है पेनी शेपर्ड। वो परमेश्वर की स्त्री है। उसने उसकी सेवा कई वर्षों तक ईमानदारी से की और जबकि उसने कोई सबूत नहीं देखा कि उसका चमत्कार आ रहा है, तो भी वो अद्भुत कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। और जब पेनी अपनी अंतिम रेखा तक पहुंची तब परमेश्वर ने आशीष उसके लिए रखी थी। उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने हर समय आशा की कि मुझे चमत्कार मिलेगा और मैंने हर समय भरोसा किया कि चमत्कार मिलेगा, परंतु एक दिन मैंने विश्वास किया कि चमत्कार पा सकती हूँ। 1976 में 13 साल की उम्र में पेनी शेपर्ड गिरी और कमर की नियली हड्डी तोड़ बैठी। तब से उसे तीव्र दर्द में रहना था। जब मैं बिस्तर से उठी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी पीठ में छुरा फूंक दिया। सिंक में मैं अपने बाल धोने के लिए झुक नहीं सकती थी, ज्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकती थी और ना ही बैठ सकती थी। दर्द से जान जाती थी। हमारे विवाह के लगभग 22 वर्ष बीत गए, तो हमारे संपूर्ण वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी को दर्द में देखा है प्रतिदिन। वह दर्द कभी कभी कई दिन कम होता था, परंतु कहा जाए तो अगले ही दिन वह बहुत ही यातनादायक होता था और बिस्तर से उठने के लिए प्रतिदिन उसकी मुझे मदद करनी पड़ती थी। ऐसे समय थे जब मैं दर्द से बहुत परेशान हो गई और मैंने सोचा मैं एक और दिन कैसे काट सकती हूँ। मेरे पति को मेरी मदद करनी पड़ती थी। मैं आइस पैक के साथ सोती थी, हीटिंग पैड के साथ, बहुत सारे तकिए रख के सोती थी। परंतु मैं मसीही परिवार में बढ़ी। मैंने पूरा जीवन प्रभु से प्रेम किया। मैंने विश्वास किया कि वो मुझे चंगा कर सकते हैं और जानती थी कि करेंगे। मैंने बस श्रमता की ओर देखा, प्रतिदिन की श्रमता की मैं अपनी चंगाई पा सकूं, यही कारण था जिसे मैं आगे बढ़ सके। पेनी का प्रतिदिन का जीवन बढ़ती हुई चुनौती देने वाला हो गया। वह दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश से ऊब चुकी थी। उसकी डॉक्टर कैरलिन रोजर्स कहती हैं कि पेनी को पोस्ट ट्रॉमा आर्थराइटिस और खराब डिस्क की बीमारी है। इस समय तक क्योंकि उसकी इतनी मांसपेशियां असंतुलित थीं, उसे केवल पीठ दर्द ही नहीं परंतु बहुत सी दूसरी समस्या भी थी। और ऐसी भी बातें, जिस रीति से शरीर को काम करना है उसके बाद घुटना, उसे बाहर होगा कंधे को चोट लग सकती है, तो इससे दर्द का चक्र शुरू होता है और रोकना बहुत कठिन था। सामान्यतः हमें प्रशिक्षण में सिखाया गया है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं जो बदली नहीं जाती, वो है स्पाइनल फ्यूजन। वो डिस्क जो इतनी ख़राब हो चुकी थी, आप वो डिस्क से फिर से काम नहीं करवा सकते हैं, आप उस शरीर से ठीक से काम करवा नहीं सकते, परंतु उसकी डिस्क बहुत बिगड़ चुकी थी। एक बार जब वो डिस्क बिगड़ जाए या सिकुड़ जाए और उस पर झुरियाँ हो, वो डिस्क जैसे पहले थी वैसे कभी नहीं हो सकती बिना चमत्कार के। कई वर्षों के बाद वर्ष पेनी प्रभु से अपना चमत्कार मांगती रही। एक बहुत ही अद्भुत दिन उसकी प्रार्थना के समय में उसने कुछ अजीब सुना। मैंने अपने हृदय में महसूस किया कि ये वचन मेरे अंदर रखे गए हैं, अपने चमत्कार की ओर दौड़। मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना था कि अपने चमत्कार की ओर दौड़, क्योंकि मैं कोई खिलाड़ी नहीं, मैं दौड़ने वाली नहीं थी और मैंने इसमें कभी दिलचस्पी नहीं ली। पेनी कोई दौड़ने वाली नहीं, सच तो यह है कि वह थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं हो सकते थे, तो यह स्वाभाविक बात नहीं कि वह उसकी ओर जाए। तो जब उसने उसे मेरे साथ बांटी या मुझे तुरंत यह दिखा कि प्रभु की ओर से है, यह तो सब हमारी कमजोरियों में प्रभु अपना बल साबित करना चाहता है। मैं सोचती थी कि शायद अपना चमत्कार खरीद लूं या उसके लिए खा। मैं कभी किसी बात के लिए नहीं दौड़ी थी। मैं कभी स्टूडेंट काउंसिल के लिए नहीं दौड़ी, तो दौड़ने के लिए विचार करना तो बुद्धिमानों को लज्जित करना है।
क्योंकि दर्द से जीवन बिता रही थी, चल ही नहीं सकती थी, तो दौड़ने की बात ही नहीं। परंतु प्रभु ने कहा, अपने चमत्कार की ओर दौड़। सबसे लंबी दौड़ वो मैराथन थी, जो थी 26.2 मील। पेनी ने तुरंत खोज करना शुरू किया। मैराथन की तैयारी के लिए 6 महीने का कठिन परिश्रम का प्रशिक्षण लगता है। उसमें कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन लगता है। अपने परिवार की आशीष पाने के बाद उसने अपने डॉक्टर से संपर्क किया। मैं जानती थी ये परिस्थिति नहीं, वो तो लाल झंडे की परिस्थिति थी जो उसे करने से रोकती। दूसरे शब्दों में, हमने बहुत सी बुद्धि का उपयोग किया। डॉक्टर रोजर्स ने पेनी के दौड़ने के लिए दवाइयां देने से आगे एक और कदम बढ़ाया। उसने पेनी का प्रशिक्षित होना चाहा। उसने इसे लंबे समय की प्रार्थना का उत्तर देखने के रूप में देखा। जब मैं एक विद्यार्थी डॉक्टर थी, मैंने चमत्कार देखने के लिए प्रार्थना की। मैंने इसे अपने प्रैक्टिस के लिए प्रार्थना की। मैं उत्साहित थी। मैंने सोचा, यही तो वो है, मैं किसी के चमत्कार का भाग हो सकती हूँ, यही तो वो है। अगले 4 महीने मैंने मैराथन के लिए प्रशिक्षण लिया और ये बात किसी से नहीं कहा। केवल मेरी बेटी और मेरे पति और डॉक्टर रोजर्स ही जानते थे। ये बात मैंने अपने मित्रों को भी नहीं बताया, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे अंदर था। मैंने इसके लिए जिम्मेदारी महसूस की और मेरे अच्छे मित्र हैं। परंतु ये मेरी जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर का वचन शक या गड़बड़ी या डर के कारण निकल ना जाए, और मेरे साथ कोई नहीं था कि मुझे बताए कि मैं नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि मैं नहीं कर सकती। पेनी के प्रशिक्षण के लिए हफ्ते के 7 दिन सही भोजन और सही समय सारणी की जरूरत थी। सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे, बाद में सुबह 3 बजे उठना था कि लंबी दौड़ दौड़े, इससे पहले कि दिन भर का काम और परिवार की जिम्मेदारियां आए। हर दिन हर रोज दर्द में से जाना था। पूरे प्रशिक्षण में दर्द बना रहा। आपने सोचा होगा कि बाद में मुझे अच्छा लगा होगा, परंतु इसे ऐसा कहें कि मुझे स्वाभाविक में कोई प्रोत्साहन नहीं मिली। कई बार जब उसे सच में बहुत दर्द होता था, वो चुप हो जाती थी। आप जानते हैं, वो शिकायत करने वाली नहीं है। आपको कई बार उसमें से बातें मानो खींच कर निकालना होता, परंतु यदि मैं देखती कि चुप है, मैंने उसे देखा और निश्चित जानती वो कुछ थामे है, वो रो रही है। हर समय जब ये होता है तो शत्रु आपको दूसरे अनुमान की ओर लाता है, क्या तुम बहुत कर रही हो। तो मैं कहती थी, हम प्रभु के सामने रहे हैं। मैंने इसे गुप्त रूप में किया और हमने एक दूसरे के साथ इस समय इतना अधिक किया कि ये जान ले कि हमें रोकने के लिए दर्द संकेत ना हो जाए। मेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श बन सकता है तो वह मेरी पत्नी है। सच में मैं अपने पत्नी के विषय में कह सकता हूँ, जिस तरह वह उठती रोज रोज प्रतिदिन सुबह के 3 बजे, उसने निर्णय कर लिया था कि प्रतिदिन प्रशिक्षण पूरी करेगी। और मैं पिन्नी के बारे में सच कह सकता हूँ, वह मेरे लिए प्रेरणा बनी, और मैं कह सकता हूँ कि वह मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं चाहती थी कि शुरू करने की लाइन में खड़ी रह सकूं और जानूं कि जो कुछ प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा उसे मैंने किया। पेनी जॉयस मेयर की सहेली थी और जॉयस की शिक्षा निरंतर सुनने वाली थी। वह यह सत्य समझ गई, उन्नति के लिए एक कीमत चुकानी होती है। यदि आपको आज किसी बात के लिए दृढ़ निश्चय करना है तो वो ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं शायद पहली बार में इसे सही ना कर सकूं, परंतु मैं कभी बंद नहीं करूंगी और कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। वो सारी शिक्षा बहुत ही चमत्कारी था, अद्भुत। डरे रहने पर उन्होंने समर्पण, संकल्प और सौंपने के विषय जो सिखाया, उसके कारण मैं उसमें डरी रही। वह दिन पास में आ रहा था जब पेनी और डॉक्टर रॉजर्स को वॉल्ट डिस्नी वर्ल्ड मैराथन में दौड़ना था, परंतु बस 2 हफ्ते पहले इसे बड़े डराने वाले लक्ष्य को पूरा करने से पहले दुर्भाग्यवश पेनी का घुटना जगह से हट गया। रेस की पहली रात मैं अपने कमरे में मुश्किल से चल पाई। मैं जानती थी कि वह शत्रु है और मैं चमत्कार पाने के लिए तैयार हो रही थी और समझ गई कि यह शत्रु का हमला करने का तरीका है। और मैंने निश्चय किया कि रेखा पर रहूंगी।
वॉल्ट डिस्नी वर्ल्ड मैराथन की एक शाम पहले पिनी के सबसे मजबूत सहायक उसके पति और बेटियों ने उसके पूरे हाथ और बाहों पर वचन और प्रोत्साहित करने वाले संदेश लिखे। मैराथन की सुबह सूरज निकलने से पहले पिनी दौड़ शुरू करने की रेखा पर पहुंची। जैसे 24,000 लोग दौड़ने के लिए तैयार थे, पूरा वातावरण मानो बिजली से उत्साहित हो चुका था। महीनों के प्रशिक्षण और बलिदान के बाद पिनी ने स्वइच्छा से उन्नति की कीमत चुकाई थी। वह अपने चमत्कार की ओर दौड़ रही थी। हालांकि मैं मुश्किल से चल सकती थी, मैं लड़खड़ाई शुरू की रेखा पर लड़खड़ाई। जहां पर होना था वहां पर हूं। मैं बस इतना ही जानती थी कि जैसे मैं वहां थी, मैं मुश्किल से चल सकती थी। मैंने डॉक्टर रॉजर्स की ओर मुड़कर कहा, काली, मेरे पीठ में दर्द नहीं है, मेरे पीठ में दर्द नहीं है। मैंने 28 वर्षों से उन शब्दों को अपने मुंह से आते नहीं सुना। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, परंतु मेरे पेट में दर्द नहीं है। 28 वर्षों में पहली बार ही उसके पीठ में कोई दर्द नहीं था। पिनी के मन में मैराथन की दौड़ छोड़ने का विचार कभी नहीं आया। फिर भी उसके घुटनों में इतना अधिक दर्द था कि डॉक्टर रॉजर्स ने सलाह दी कि वे दौड़ का आरंभ चलने से करें कि वार्म अप हो और देखें कि घुटना कैसे प्रतिउत्तर देता है। पिनी के पति और बेटियां दौड़ शुरू करने की रेखा और रास्ते के रेगुलर चेक पॉइंट्स पर प्रोत्साहन के साथ थे। पिनी के मित्रों का समूह भी दौड़ को दौड़ने के लिए लगने वाले पूरे 7 घंटे लगातार प्रार्थना करते रहे। उस दिन मैराथन में दौड़ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम था। पूरी मैराथन ही रोलर कोस्टर थी, क्योंकि पूरे समय में बहुत सी छोटे हमले हुई। रेस में लगभग 1.5 मील के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे घुटने की कटोरी के नीचे ठंडक आई और मैंने डॉक्टर रोजर से कहा, शायद मैं दौड़ सकूंगी। 14 मील पूरी करने के बाद पिनी और डॉक्टर रॉजर्स को बताया गया कि वे 7 आवर रेस में 36 सेकंड देरी से हैं और यदि वे समय इस स्वीपर्स, जो वे कहते हैं, में नहीं करते तो अंतिम रेखा तक उनका पहुंचना बेकार होगा। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास 14 मील मार्कर तक जाने के लिए 36 सेकंड है और वैन्स वहां पर हैं, वे अच्छे हैं और नीचे ही एयर कंडीशन थी, परंतु मैंने सोचा, क्या जानते हैं, यदि वे मुझे उठाएंगे तो सबसे तेज दौड़ूंगी और मैं कह सकूंगी कि पूरा प्रयत्न करूंगी। पिनी के पीठ में दर्द नहीं था, परंतु उसके घुटनों में बहुत दर्द था। उसके कारण वह तड़प रही थी। अपने हाथों पर लिखा संदेश पढ़ा, वचन जैसे यशायाह 40:31, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे, ने उसे बल दिया। वह दूसरे दौड़ने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बताने लगी, 23वीं मील मार्कर में मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरी बेटी कोंस में से आई, मैं मुश्किल से हिल सकती थी, मेरा शरीर उस समय सुन्न हो गया। मेरी बगल में एक तरफ से एक और दूसरी ओर से दूसरी ने आकर मेरी मदद की और मुझे थोड़ा उठाते हुए मेरे साथ दौड़े। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ दौड़ने वालों की ज़रूरत है। जब आप 26 मील पर होते हैं तो अपने दृष्टिकोण को खो बैठेंगे, परंतु मैं उस जगह पहुंची जहां मैं पहाड़ से नीचे जा रही थी और पहाड़ के नीचे एक महिला थी। पूरे रास्ते में दर्शक भरे थे। वो महिला जो पहाड़ के नीचे थी, उसने चिल्लाया जोर से और कहा, मैं अंतिम रेखा को देख सकती हूं, और चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम देख सकती हो। उसने कहा, मैं अंतिम रेखा को देख सकती हूँ, वो तो यही कोने पर है। मैं उस पहाड़ के नीचे दौड़ी और कोने पर मुड़ी और वहां पर थी अंतिम रेखा। मैंने अपने अंदर में ओलंपिक को दौड़ने वाली को महसूस किया। मैं जानती हूँ कि मैं बाहर से वैसे नहीं दिखती थी। मेरा शरीर इतना थक चुका था, मैं मुश्किल से दौड़ सकती थी, हिल सकती थी, परंतु मैं बहुत उत्साहित थी। आखिर अंतिम रेखा तक पहुंच गई, इससे मैं बहुत रोमांचित थी। मैंने अंतिम रेखा पार की और मैं बस खड़ी रहना चाहती थी। मैं 7 घंटे दौड़ी, मैं 7 घंटे तक चलती रही और मैं स्थिर खड़ा रहना चाहती थी और प्रभु की भलाई जानना चाहती थी। मैं कुछ कहना चाहता हूं तो वो यह है कि मैं अपनी पत्नी पर गर्व करता हूं।
आरंभ रेखा पर अंतिम रेखा पर मुझे उस पर गर्व है। मैंने उन्हें जाकर गले लगा लिया क्योंकि मुझे उन पर घमंड है। जब सोचती हूँ तो भावात्मक होती हूँ क्योंकि मैंने कहा आप मेरी हीरो हैं। मुझे प्रतिदिन आश्चर्य होता है, ये मेरे लिए नया और हर सुबह ताजा होता है। जब मैं उठती हूँ और अपने पैर फर्श पर रखती हूँ और पीठ में दर्द नहीं होता, यह मेरे लिए आज भी उतना ही नया और ताजा है जैसे 11 जनवरी को जब मैंने यह चमत्कार पाया था। ऐसा अद्भुत कार्य मैंने पहले कभी नहीं देखा और मैं सोचता हूँ कि उसके लिए जो चाहिए था वह है पूरी तरह प्रशिक्षण पाना, पनिन्या से प्रभु जो कुछ चाहते थे 6 महीने की कीमत चुकाना, जो काम नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाना, जानते हैं वह भी पूर्ण रूप से। अंतिम रेखा पर चंगे नहीं हुई, चमत्कार अंतिम रेखा पर नहीं मिला। मैंने कल्पना की थी कि अंतिम रेखा पार करूंगी और चमत्कार प्राप्त करूंगी, मुझे मेरा चमत्कार शुरू की रेखा पर ही मिला। मुझे बस वहां पहुंचना था। अब उसने खुद का चमत्कार पा लिया। प्रतिदिन के जीवन का नए स्तर का आदर है जो वो कभी नहीं खोएगी और उसका जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। और वैसे ही मेरा भी, कि केवल उसे देखूं ही नहीं परंतु उसका भाग भी हो जाऊं। देखिए, चमत्कार के लिए मैराथन में दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे विषय में ये आज्ञाकारी लगी। मैंने यहाँ देखा कि आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखना जरूरी है। बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ते और यही स्वभाव आपको स्वीकार करना है यदि निश्चय चमत्कार चाहते हैं। मेरी माँ की दृढ़ निश्चय को देखकर और उसके विश्वास और आज्ञाकारिता और प्रभु में भरोसा देखकर जिसने मुझे इतने में से निकाला। मैंने अपने पूरे जीवन में सुना कि सब कुछ संभव है, परंतु अब जाना कि सब कुछ संभव है। हिम्मत मत हारिए, ये आशा का संदेश है, ये विश्वास का संदेश है। प्रभु एक अद्भुत प्रभु है, आप कभी नहीं जानेंगे, शायद आज ही वो दिन है। पेनी की गवाही सच में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उत्साहित करने वाली है। हम जानते कि परमेश्वर सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं करता और परमेश्वर सबको एक ही काम करने के लिए नहीं कहता है। मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर ने जो उसे करने के लिए कहा वो महत्वपूर्ण है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वो इच्छा रखती थी कि कदम बढ़ाए और विश्वास करे कि परमेश्वर के द्वारा वो कर सकती है जिसके विषय उसके डॉक्टर ने कहा था कि ये असंभव है। जैसा मैंने पहले कहा है, पेनी मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली है, अभी भी उसकी चंगाई है और जिस दिन से उसने अपनी दौड़ शुरू की थी तब से लेकर अब तक उसकी पीठ में कभी दर्द नहीं हुआ है और पहले उसे कैसा दर्द होता था ये मैं जानती हूँ। शायद परमेश्वर आपके साथ वैसा व्यवहार ना करे, शायद वो आपके साथ पूरी अलग तरह से व्यवहार करे, परंतु उन्नति के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। अगले स्तर पर जाने के लिए हमेशा हमें कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे जीवन में कई वर्षों तक मेरे जीवन में परेशानी भरी हुई थी और अंत में मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां मैंने कहा कि मुझे शांति चाहिए। मैंने बाइबल में पाया कि मुझे शांति मिल सकती है, वो शांति परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीवन जीने का एक भाग था, इसलिए मैं ऐसी जगह पहुंची जहां कहा कि मुझे शांति निश्चय चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं शांति के लिए प्रार्थना करूं और सब कुछ शांत हो जाए। मैंने पहले इसकी कोशिश कई वर्षों तक की, परंतु परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि मैं शांतिपूर्ण जीवन जीने के उस अगले स्तर तक आना चाहती हूं तो मुझे मेरे कुछ मार्ग बदलने होंगे। मैं अपेक्षा नहीं कर सकती कि मेरी परिस्थिति बदलेगी या मेरे आसपास के लोग बदलेंगे, मुझे बदलने के लिए तैयार होना होगा। ऐसी कुछ बातें भी हैं जो मुझे छोड़ देनी थी। कई बार मुझे तैयार रहना पड़ता था कि मैं आखिरी शब्द ना बोलूं, या शायद जब मैं अपना दृष्टिकोण देना चाहूं तब मैं चुप बैठने के लिए तैयार रहूं, परंतु मैं जानती थी कि मैं ऐसा ना करूं तो ये समस्या निर्माण करेगा। अब मैं अपने जीवन में बहुत सी शांति का आनंद लेती हूं, परंतु इस नए स्तर पर आने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी कि मैं परमेश्वर को मुझ में कुछ बदलने दूं। उत्पत्ति 12:1-2 के अनुसार इब्राहिम ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो उसके उस व्यक्ति के जीवन से भी उत्तम जीवन जी सकता है। ये इस रीति से पढ़ा जाता है। अब हारान में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तो खुद अपने लिए, अपने लाभ के लिए अपने देश को और अपने संबंधी और पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वचन 2 कहता है, मैं तुझसे एक बड़ा देश बनाऊंगा और मैं तुझे कृपा की बहुतायत से आशीष दूंगा और मैं तेरा नाम विख्यात और महान करूंगा और तू आशीष होगा, दूसरों को वस्तुएं दिया करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरे पास, मेरे मन में तेरे लिए कुछ महान बातें हैं, मेरे मन में तेरे लिए कुछ महान बातें हैं। मैं विश्वास करती हूँ जो लोग मुझे अब देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर के मन में कुछ महान बातें हैं।
परंतु उसने इब्राहिम से कहा, तुझे तेरे रिश्तेदारों से अलग होना होगा, इस देश से अलग जाना होगा और जो स्थान में तुझे दिखाऊंगे वहां जाना होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके जीवन में परमेश्वर को काम करने देने के लिए आपको अपना परिवार छोड़ना होगा, परंतु एक विशेष स्रोत में मैंने देखा है जो कहता है कि ऐसे बहुत से सबूत हैं जो ये कहते हैं कि इब्राहिम के परिवार के बहुत से लोग मूर्ति पूजक थे, क्योंकि वे उस क्षेत्र में पले बड़े थे और उनमें से कुछ लोगों ने अभी उसे नहीं छोड़ा था। खैर, इब्राहिम पर इसका प्रभाव हो सकता था और परमेश्वर चाहता था कि वो अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अलग हो जाए, पूरी रीति से परमेश्वर और उसके उद्देश्य के लिए अलग हो जाए। तो उसने कहा, तुझे इस बुरे प्रभाव से दूर जाना होगा, जो बातें तुझे दूषित करेंगी उसे दूर जाना होगा, मुझे तुझे उस क्षेत्र में ले जाने दे जहां मैं सच में तेरे साथ जैसा मैं चाहता हूं वैसा व्यवहार कर सकता हूं और फिर मैं तुझे बहुतायत से आशीष दूंगा। बाइबल कहती है कि हमें उन लोगों से अलग होना होगा जो क्रोध करते हैं, ऐसे लोगों से जो ईमानदार नहीं, और ऐसे लोगों से जो दोष लगाते हैं और पीठ पीछे बोलते हैं। आप में से कुछ लोग यदि उन लोगों से दूर हो जाए जो आप पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव अवश्य आएगा। प्रभु आपको आशीष दे और याद रखे कि मैं विश्वास करती हूँ कि आपका बदलाव मार्ग पर है।